और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। Hey guys, good morning, welcome back with the new vlog. सुबह सुबह हो चुका है और मैं उठ चुकी हूँ, तो आज का ब्लॉग काफी ज्यादा खास होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। क्या बना रही है? किस चीज की सब्जी है? बैंगन। ये क्या है? चने की दाल है क्या? आज खाना बहुत टेस्टी टेस्टी अच्छा अच्छा बना है, क्या बात है। ये देखो भुजिया है, भुजिया है, बीन्स की। हाँ खाएंगे बैंगन की सब्जी। यहाँ पर मम्मी बना रही हैं पापड़। पापड़ इसमें खाएंगे। दीदी का मन किया था पूरी सब्जी खाने का, और यहाँ पे मम्मी आटा वगैरह गूंथ कर रखी है। मैं अभी नहाई भी नहीं, मेरा मन नहीं करा नहाने का, बट मैं नहाऊंगी बाद में, तो पहले खाना पेट पूजा करूंगी। मम्मी मुझे फुला फुला कर लाल लाल दीजिएगा, एकदम रेड रेड करके, मतलब एकदम ब्राउन करके दीजिएगा। यहाँ पापड़ है, ठीक पापड़ डालिए, पापड़ कला सा कला। पापड़ के लिए बहुत ज़्यादा हीट होना चाहिए तभी अच्छे से पापड़ छनेगा। ये क्या है? राइस। सब्जी दे दूँ? हाँ पापा ला रही हूँ, मैं अपना खाना लेकर आ गई हूँ। तो बना है बीन्स आलू की सब्जी है, बैंगन की सब्जी है, पूड़ी है, ये है पापड़, राइस, चने की दाल। तो खटे खाते हैं फटाफट। छत पे आई हूँ और छत का ये देखो, यहाँ पूरा प्लास्टर हो चुका है, बस दो दिन में प्लास्टर हो जाएगा। ओह क्या गिरा, ये हटा रही है मम्मी। तो प्लास्टर ये बाहर का भी हो चुका है और रूम का भी हो चुका है, थोड़ा सा और बाकी है, उसके बाद कलर स्टार्ट होगा। कलर स्टार्ट होने के बाद इस रूम में तो ऑलरेडी ये दीवार वाला कबर्ड बन चुका है, दिख नहीं रहा होगा आपको, अंधेरा है क्योंकि सुबह नहीं आ पाते, मिस्त्री आ जाते हैं। तो एक रूम में कबर्ड बनवाना है लकड़ी का, बनने के बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी आप भी सोचते होंगे कि मैं बस आपको डेली ऐसे ही दिखाती रहती हूँ घर इनका कब बनेगा, तो गाइस बन जाएगा, आप वेट करो थोड़ा सा, हम लोग भी बस वेट कर रहे हैं। तो क्या करूँ मैं, बनेगा, हम लोग भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, घर कब बनेगा, कब बनेगा, कब बनेगा, बनेगा जल्दी बनेगा, और जल्दी शिफ्ट भी होंगे हम। तो अभी हम छत पे जा रहे हैं क्योंकि छत पे देखना है टंकी में पानी कितना भरा हुआ है। अभी दोनों टंकी लग गया है, अभी टंकी लगने के बाद मैं दो दिन बाद छत पे आ रही हूँ, नहीं आने का मन करता है, इतना फैला फैला रहता है। पानी देखे कि नहीं? हाँ दोनों टंकी लग गया, पानी नहीं खत्म होगा। पानी कितना है? चालू करो पानी आधा से कम। ये वाला कितना गंदा हो गया भाई। ओ भाई मालो मुझे मालो। मम्मी अब हम छत पे आ गए, हम नीचे नहीं जाएंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे, नीचे जाना पानी भरने के लिए। अच्छा ओ वाह नाइस, यहाँ दो कल भी लग गया, दो कल लग गए, दो कल पानी खोल। हाँ वो इसको भी खोल दो प्या, हम इसलिए खोल दिए ना कि मान लीजिए वो गड़बड़ आएगा तो इधर तो पानी निकलता रहेगा तो खराब। क्यों अभी लग गया? एक से है जो पानी जाएगा अंदर, और दूसरा है जिससे हम लोग पानी ले लेकर फूल में डाल सकते हैं। क्या हुआ मम्मी, सही है? ये बंद करेंगे ना तो उधर पानी जाएगा। हमको समझ में ही नहीं आ रहा क्या प्रोसेस है। ये टंकी यहाँ से बंद करेंगे ना, वो वाला लाल वाला। हाँ तो इसमें नहीं भराएगा तो नहीं, उधर रहेगा, उधर रहेगा, नहीं भरा। ठीक है आई वाला बहुत खड़ी आ जाए नहीं वो के टाइप कौन इसके। देखा पानी नहीं घर में ना, ये बना चला ना। आधा घंटा बाद बंद कर दिया, यहाँ बंद क्या है? ठीक
काम हो चुका है और मैं पीने जा रही हूँ ग्रीन टी। भाई खराब होने वाला है, ग्रीन टी पीऊंगी, निकाल लेती हूँ ग्रीन टी। बन चुका है मेरा ग्रीन टी। आज ना इन फिल्टर आज बनाए क्योंकि फिल्टर का पानी ना बहुत स्लो भरा रहा था, मतलब 4-5 घंटे लग जा रहे थे फिल्टर का पानी भराने में और हम लोग परेशान हो जाते थे, पानी नहीं रहता था। फिल्टर बनाया और पानी बहुत जल्दी भरा गया। पूरा इसका सामान देखो, इसका सामान पूरा यहाँ पे रखा हुआ है। ये पुराना वाला था, अभी नया लगा। पेन छुटाना है, मैं इसको छुड़ा कर दूसरा लगाऊंगी। 4-5-6 दिन हो गए मुझे ये लगाए तो ज़्यादा नहीं रखते, थोड़ा सा वो ख़राब होने लगता है, इसका कलर डल होने लगता है तो मैं चेंज कर देती हूँ। और काफ़ी अच्छा है यार, 5-6 दिन चल रहा है, मतलब मैं 5-6 दिन के इससे ज़्यादा चलेगा, अभी थोड़ा कलर डल हो गया है बट फिर भी अच्छा लग रहा है। मैं अभी दीदी से आज मार्केट गई थी तो मैंने बोला कि आप नेल पेंट लेकर आना, एटलीस्ट 2 नेल पेंट अच्छा अच्छा लेकर आइएगा, तो वो 2 नेल पेंट लेकर आई हैं तो मैं वो लगाऊंगी। बाकी ग्रीन टी पी रही हूँ और आज फिल्टर भी चेंज हो गया, पानी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इससे फिल्टर से जो पानी आता था तो वही मतलब पीने के लिए रहता था और बहुत स्लो भरता था, बहुत ज़्यादा स्लो, तो अभी बहुत स्पीड में भर रहा है और मतलब जब से लगा है तब से फर्स्ट टाइम चेंज हुआ है। मैं आपको नेल पेंट दिखाती हूँ, एक थिनर भी मंगाया और ये 2 नेल पेंट। मैंने बोला जो भी आपको पसंद है अच्छा सा नेल पेंट लेकर आएगा, तो एक पर्पल कलर का है, ये कौन सा कलर है, ब्राउन, ग्रे, ब्राउन है, ब्राउन बोलेंगे, तो ये ब्राउन कलर है तो मैं लगाने जा रही हूँ नेल पेंट। तो अभी मैं नेल पेंट लगाऊंगी दूसरा और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नेल पेंट लगाना, मतलब जब मेरे नेल छोटे होते तो मैं नहीं चेंज करती हूँ जल्दी, बट जब बड़े हो जाते हैं तो मैं सोचती हूँ अच्छे अच्छे नेल पेंट लगाऊँ। और एक टूट गया यार, बट 1-1.5 महीने में बड़ा हो जाएगा ये, इसलिए मैं तोड़ती नहीं हूँ पूरा, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि एक टूटा है उतना पता नहीं चलेगा, फिर ये सब भी बढ़ जाएगा। मेरा एक बहुत गंदा आदत है कि मैं नेल को ना कट करती हूँ अपने दांत से, ये मेरा बचपन से आदत है, इसलिए इस वाली उंगली का ना मेरा बिल्कुल भी नेल नहीं बढ़ता है क्योंकि मैं कट रही थी। और जब मेरे हाथ में नेल पेंट लगाना होता है तो मैं ना जैसे अगर इसको भी मैं दबाव में डालती हूँ कि तोड़ दूंगी इसको, बट मैं जैसे ही देखती हूँ मेरे हाथ में नेल पेंट लगाया ना तो मैं नहीं तोड़ती हूँ। जैसे यहाँ तक आती हूँ मुझे याद आ जाता है कि नहीं नहीं मेरा नेल अच्छा लग रहा है, नेल पेंट लगाई हूँ मैंने तो। एंड गाइस आपके साथ कुछ शेयर करना है तो वो अभी नहीं करूँगी, बाद में करूँगी, बट एक चीज़ है, मेरे घर में कुछ स्पेशल होने वाला है बहुत ही बड़ा, और तो उसके लिए आपको कुछ महीने वेट करने पड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है बहुत टाइम बाद मेरे घर पर, तो बताएँगे आपको बहुत जल्द बताएँगे क्या होने वाला है, तो उसके लिए आपको ब्लॉग में बने रहना है, आप देखना क्योंकि सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ अभी इतनी बताऊँगी क्योंकि अभी जब टाइम आएगा तो बताऊँगी मैं आपको। यार मुझे ना छुड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बीच बीच में मैं ग्रीन टी पी पी रही हूँ, मतलब ज़्यादा मैं बाहर नहीं जाती हूँ, और अगर बाहर जाती हूँ तो मैं ज़्यादा बाहर का वीडियो भी नहीं लेती, तो घर को घर पे मैं क्या करती हूँ, मेरा रूटीन कैसे जाता है तो मैं आपके साथ सब कुछ दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। यहाँ पे मतलब ना वीडियोज़ वगैरह ज़्यादा लेना ऑकवर्ड लगता है, मतलब जल्दी कोई लेता नहीं, मुझे लगता है यहाँ पे मैं ही एक मुझे थोड़ा वीडियो वगैरह लेती रहती हूँ, मेरे पे लोगों का नज़र पड़ जाता होगा, जब भी मार्केट जाती हूँ वीडियो ले लेती हूँ, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं सोच समझ भी नहीं आता मैं क्या दिखाऊँ वीडियोज़ में अपनी, क्योंकि कुछ ना कुछ वीडियो में अच्छा तो दिखाना ही पड़ेगा वरना लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। बट मैं अगर कहीं बाहर जाऊँगी, अभी तो प्लान नहीं है बट कुछ अच्छा होने वाला है तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, आप वेट करना। और ये सब टी शर्ट जो है ना भैया ने दिया है न्यू, तो जो पहले पहन रहे थे वो भी भैया का ही था, तो उन्होंने वो सब मैंने हटा दिया, बहुत पुराना हो चुका था, उन्होंने भी बोला हटा दो पुराना हो चुका है फेंकूंगा वरना, तो इसलिए मैं ही फेंक दी उसको। तो ये 5-6 टी शर्ट दिया, बहुत कम्फर्टेबल होता है तो ये मैंने पहना है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अपना टी शर्ट मतलब घर पूरे टाइम पहनने के लिए ना थोड़ा कम्फर्टेबल लूज़ बड़े साइज़ में टी शर्ट अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं भैया को पहनती हूँ, क्योंकि वो अपना कपड़े खरीदते हैं फिर वो रख देते हैं घर पे, घर पे रखने के बाद फिर उसको पहनते नहीं हैं वो, क्योंकि उनको छोटा हो जाता है, बोल मैं नहीं पहनूंगा छोटा हो गया, तो वो हम लोग यूज़ करते हैं, तो क्लीन हो गया मेरा नेल, इसमें भी मैं सोचती बड़े बड़े हो जाएगा बट आदत हो गया काटने का तो मैं काट लेती हूँ। और मैं कौन सा नेल पेंट लगाऊँ, कौन सा ये भी मन कर रहा लगाने का, ये भी मन कर रहा लगाने का, मैं सोच रही हूँ ये लगाते हो, ये वाला लगाऊँगी नेक्स्ट टाइम, ये वाला लगाऊँगी, इसमें थोड़ा सा और है, और इसमें बहुत सारा है, मैं अभी मंगाई दीदी से
क्योंकि हमेशा मैं ही नेल पेंट लेकर आती हूँ, तो मैंने दीदी से बोला नेल पेंट सब लगा चुकी हूँ, अभी कोई नया कलर लेकर आओ आप, तो फिर दीदी ने वो कलर लगाया। तो मुझे चेक करना पड़ेगा वीडियो अच्छा बन रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं बैक कैमरा से वीडियो बना रही, फ्रंट तो खराब हो तो नहीं। आज ही दीदी से मंगवाए हैं। कौन लेके आए दीदी? आज ही मंगाई हूँ। चेंज कर दीजिए। क्यों? तो अभी ना मैं कैमरा चेक कर रही थी कि कैमरा में मैं इतना बक कर रही हूँ, कहीं वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं, तो इसे चेक करने गई थी, रिकॉर्ड हो रहा है। और मम्मी को ये नेल पेंट बहुत अच्छा पसंद आया, तो उन्होंने बोला कि मुझे भी ये वाला लगाना है, तो उन्होंने आज ही रेड कलर का लगाया, तो मैंने तो बोली मैं छोड़ो दूसरी ये वाला लगाऊंगी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। लगाएंगी ये वाला? लगाएंगी तो क्या हुआ, छुड़ा लीजिए। जाने दो दिन बाद लगाएगा फिर। पानी भर गया? पानी भर गया, चल नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो मैंने अभी नेल पेंट लगा लिया, पता नहीं कैसा लगा, बट इसमें एक कोट और मैं लगाऊंगी क्योंकि थोड़ा पतला लग रहा है, ये वाला सही लग रहा है, इसमें दो कोट लगा लिया। बहुत प्यारा कलर लग रहा है, बहुत प्रीटी लग रहा है कलर, बहुत पतला है। अभी ये पता है बहुत पतला है, लेकिन अभी ना अभी देखना नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लगाऊंगी ना, ये बहुत मोटा हो जाएगा। लग चुका है नेल पेंट, अभी मेरा गारंटी भी नहीं खत्म हुआ, उसको भी फिनिश करते, बहुत टाइम लगा लगा कर मैं पीती हूँ। क्या है कौन कब? अभिषेक कैसा है? क्या अभिषेक कैसा है? अच्छा ठीक है। आटा देखो है? आटा हाँ, दो पैकेट है आटा। रहर का दाल? रहर का दाल ये वाला है बाबा? हाँ। खोल निकाल कर दीजिए, फिर ही ना पता चलेगा हमको। चना खोल लेने दीजिए भाई माता जी। ये नमकीन खाइए, अभी कॉफी रखे हैं, कॉफी बन रहा है। खोलिए, कॉफी बन रहा है। अभी बहुत सुंदर लग रही है, सुंदर लग रही है आप ही। नजर लग गया? तू 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 नहीं थूके। पापा निकल रहा है, यहाँ पे अभी सामान में लाना है, सामान आया है घर के लिए, ऑयल आया है, सब सामान निकाल दीजिए, फिर प्लास्टिक में। कॉफी बना रही हूँ मम्मी के लिए और पापा के लिए, मम्मी का भी मन था, मम्मी जल्दी मतलब ग्रीन टी ज्यादा पीती है, तो उनको कॉफी पीने का मन था, तो मैं कॉफी बना रही हूँ। अभी आप बोलिए। आप बोलिए, लीजिए बोलिए, बोलिए क्या क्या है? आटा दो पैकेट। हाँ। रहर का दाल। हाँ। चना। चना। रिफाइन दो पैकेट। हाँ। जीरा ढाई सौ ग्राम। जीरा 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 हाँ। सरसों ढाई सौ ग्राम। हाँ। रोरी पाँच रुपए का। रोरी कहाँ है भाई? हाँ हाँ है। हाँ है। ग्यारह रुपए का हल्दी। ग्यारह रुपए पच्चीस पैसा का हल्दी। कहाँ है हल्दी? दो हल्दी नहीं दिख रहा भाई, पापा हल्दी नहीं दिख रहा है। अच्छा ये हाँ ठीक है। और चिकन मसाला पच्चीस रुपए का, चार दिख रहा है हमको। हाँ पच्चीस रुपए का चार पैकेट, पाँच रुपए पैकेट में। हाँ तो पाँच रुपए का हो गया, तो एक क्या कर रहे हैं? अरे हमको बोलना था ना, हम आ ही रहे हैं ना, आ ही रहे थे ना, तो हम ऑन कर देते हैं आपको ना, अपने से चालू करने लगे छी 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 करके। कैसा लग रहा है पापा? कलर तीस रुपए, तीस और सब कुछ बता रहे तीस रुपए का एक एक पैकेट, एक पैकेट पंद्रह रुपए का। पापा को कॉफी दे रहे हैं, वो आते हैं किचन में घुस कर अपना ये ऑन करने लगे गैस, मुझे बताया भी नहीं। एक चीको चूको चूको कट कर रही हूँ सब्जी, आलू कट करूँगी और इसमें डालूंगी न्यूट्रिला, आज मुझसे सब लोग बहुत काम करवाता है।
सो गाइस मैं यहाँ पे आलू कट कर रही हूँ। तो आज मैं बहुत काम की हूँ, सब मुझे बहुत काम करवा रहे हैं। मम्मी बात कर रही इसलिए मेरा आवाज़ थोड़ा स्लो जा रहा है। सब लोग बहुत काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे आलू की सब्जी कट कर रही हूँ और आलू की सब्जी बनाऊंगी। सॉरी आलू न्यूट्रीला की सब्जी बनाऊंगी जो कि मैं ही खुद बनाऊंगी, बहुत टेस्टी लगता है। मैं सब्जी बना रही हूँ और बिग बॉस भी मेरा चल रहा है तो सोयाबीन अच्छे से हुआ नहीं था, इसे मैं थोड़ा गर्म भी कर दूँ। आलू है तो फटाफट करते हैं, लेट हो रहा है। फिर डालेंगे वरना सोयाबीन का जो टेस्ट होता है बिना फ्राई किए डालने से वो टेस्ट अच्छा नहीं होता, इसलिए थोड़ा फ्राई करना ज़रूरी होता है। सब्जी बना लिया है, बहुत टेस्टी। नमक का देखे मम्मी, ऊपर नीचे हो सकता है, कम ज़्यादा कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता।